हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग टास्क टू। सो आज राइटिंग क्लास है। राइटिंग सेशन में हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ परफेक्ट 9 बेंड सिंपल आंसर ऑफ राइटिंग टास्क टू। सो राइटिंग टास्क टू में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका स्कोर जो है 6.5 पर स्टक हो जाता है। सो आपको ये देखना है कि क्या मिस्टेक आप कर रहे हो। आज आपके साथ एक सिंपल आंसर हम शेयर करने वाले हैं जो एक एग्जामिनर के द्वारा लिखा गया है और उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। वो परफेक्टली हर मार्किंग क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सो आपको ये बातें सीखनी है, एनालाइज करना है और देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हैं और क्या स्ट्रक्चर है, वो फॉर्मेट आपको नोट डाउन करना है और उसी फॉलो करना है। चलिए अब देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको करना है एनालाइज द स्टेटमेंट एंड प्लान। आपको एनालाइज करनी है स्टेटमेंट, देन आपको प्लान करना है। एनालाइज कैसे करना है कि आपको जैसे ही स्टेटमेंट मिलती है आपको वो स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है। आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं और ये देखना है कि वो किस कैटेगरी में आता है टास्क। वो ओपिनियन बेस्ड ऐसे है आपका, या वो डिस्कशन बेस्ड ऐसे है, या वो प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे है, या वो कॉज पूछे गए हैं आपसे, क्या पूछा गया है वो आपको एनालाइज करना है। देन आपको प्लान करना है। प्लानिंग को हमेशा टाइम दीजिए, 4 to 5 मिनट दीजिए। उसमें प्लान क्या करना है कि BP 1 में आप कौन सा आइडिया डिस्क्राइब करने वाले हो, BP 2 में आप कौन सा आइडिया डिस्क्राइब करने वाले हो। उसके बाद बारी आती है जो आपको स्टेप फॉलो करना है, फॉलो द स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर जो आज हम डिस्कस करेंगे वही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है राइट अकॉर्डिंग टू मार्किंग क्राइटेरिया। मार्किंग क्राइटेरिया कौन से हैं आपको पता है? 4 मार्किंग क्राइटेरिया हैं, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कहीजन, लर्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। यही 4 मार्किंग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको बैंड स्कोर लेने हैं और उसी वे में आपको ऐसे लिखना है। सो इस पे अगर वीडियो बनाई जाए तो बहुत लेंथी वीडियो चली जाएगी अगर मैं इसको डिटेल में समझाने लगूँ। आप जो है बैंड डिस्क्रिप्शन जो पब्लिक वर्जन गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि बैंड 8 के लिए कितना टास्क रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या कोहेरेंस एंड कोहिजन की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या लर्सिकल रिसोर्सेज की डेफिनेशंस हैं और क्या ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का मीनिंग है। बट इस पर हम वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं अलग अलग करके। फोर्थ स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको राइटिंग करनी है टास्क टू की, रीचेक योर वर्क। आपको अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट मान के चलिए कि आपको चेक करना है कि आपने कोई वो ऑफ टॉपिक तो नहीं लिखा, क्या आपने आइडियाज लॉजिकली लिखे हैं, क्या आपकी मिस्टेक तो नहीं है। ये सारी बातें आपको चेक करनी है। सो अगर आपका भी स्कोर जो है 6.5 पर स्टक होता है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, चाहे आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं चाहे आप जनरल कैंडिडेट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का बैंड स्कोर जो है वो राइटिंग में इम्प्रूव नहीं हो रहा तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हाई, दिस इज़ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग आज फेवर चैनल। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन और क्या है उसका सैंपल। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरह से दी हुई है, यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क, सम स्कूल्स हैव रिस्ट्रिक्टेड द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, इज दिस अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव वन। उन्होंने आपसे पूछा है कि स्कूल्स में जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं मोबाइल फ़ोन का यूज़, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव। अब क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। बट क्या पॉजिटिव कि जो स्कूलों ने ये मोबाइल फ़ोन को रिस्ट्रिक्ट किया है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव है, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपकी स्टेटमेंट है जिसे आपको रिफ्रेज करना है। ये आपकी स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन है आपका, जिसको आपको आंसर करना है विद रीज़न। ओके, ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखेंगे। सो जब भी आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, मैं वन सेकेंड मैं ना यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो अगर हमें इंट्रोडक्शन लिखनी है इंट्रो आपको लिखनी है तो आपको क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, पहले आपको देनी है बैकग्राउंड स्टेटमेंट।
ओके, बैकग्राउंड स्टेटमेंट देनी है, उसके बाद आपको देनी है स्पेसिफिक स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो कि टास्क है आपका, जिसे आप पैराफ्रेज करके लिखोगे वो। उसके बाद आपको लास्ट लाइन में देना है आंसर, जिसमें आप क्या मेंशन करोगे कि आपको लिखना है से व्हाट, सॉरी व्हाट यू विल राइट थ्रू आउट द एसे, कि आप क्या लिखने वाले हो पूरे एसे में, वही आपको मेंशन करना है। सो इंट्रो आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। सो चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये है हमारे पास इसकी इंट्रो जो एक्स एग्जामिनर के द्वारा लिखी है। चलिए इसको स्कैन करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उन्होंने किस वे में लिखी है। अब मैंने आपको बताया कि पहले बैकग्राउंड स्टेटमेंट देनी है, फिर आपको पैराफ्रेज करना है, फिर आपको इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देना है। सो हमने एक जर्नल स्टेटमेंट लिखी, इन मोस्ट स्कूल अराउंड द वर्ल्ड स्टूडेंट हैव देयर ओन मोबाइल फोन, कि स्टूडेंट्स के पास जो है अपने मोबाइल फोन्स होते हैं। अब ये हो गई जो है हमारी, मैं इसको अलग अलग कलर्स में कर रही हूँ ताकि आपको पता लगे, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ ये कलर, ठीक है। ये होगी हमारी बैकग्राउंड स्टेटमेंट। उसके बाद है व्हाइल दीज डिवाइसेस कैन अनडाउटली प्ले अ रोल इन सेफ्टी कनेक्टिवनेस एंड इवन लर्निंग, मैनी स्कूल हैव चूजन टू रिस्ट्रिक्ट देयर यूज ऑन कैंपस, फिर भी जो है हालांकि इस डिवाइसेस जो हैं, ये डिवाइसेस ये क्या करती हैं, सेफ्टी भी करती हैं, कनेक्टिवनेस कनेक्ट भी करती हैं और लर्निंग में भी हेल्प करती हैं, पर फिर भी जो क्या है कि इसका जो है स्कूल ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कैंपस के अंदर, ठीक है। ये होगी आपकी पैराफ्रेजिंग। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है, इज दिस अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव, अब इसका आंसर आपको देना है। ये आपका ओपिनियन पूछा गया है, सो इसमें आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। किस तरह से दे रहे हो ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, इन माई व्यू दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप एंड कैन ब्रिंग बेनिफिट्स नॉट ओनली अकेडमिकली बट फिजिकली एंड सोशली टू। अब आपको एक चीज और ध्यान में देखनी है कि जब आपको स्टेटमेंट पढ़नी है ना, तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी होती है, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। सो आपको यहाँ पर दिया गया है रीजन्स, ध्यान से देखिएगा, ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, रीजन्स, तो आपको एक से ज़्यादा रीजन्स देने हैं, एक से ज़्यादा रीजन देने हैं। अब यहाँ पर आपको कहा गया है एग्जाम्पल्स, तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं और फ्रॉम योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आपको अपने एक्सपीरियंस से और नॉलेज से देने हैं, आपको फेक एग्जाम्पल्स एड ऑन नहीं करने कि सर्वे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो आपको एड ऑन नहीं करने हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली होकर, बहुत ज़्यादा पर्सनली जाकर अपने एग्जाम्पल भी नहीं देने, बट फिर भी आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको देने हैं, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं इसका बॉडी, आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी कि यहाँ पर हमने क्या किया। ये हमने दी बैकग्राउंड स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद हमने दी ये आपकी पैराफ्रेज की, ठीक, उसके बाद ओपिनियन दिया, ओपिनियन में हमने लिखा This is a positive step. अब बच्चों के 6.5 क्यों आते हैं, वो लिखते हैं कि is this a positive statement? उन्होंने कहा yes, in my perspective, in my opinion, this is a positive step. ये positive step है और I will explain in the further paragraphs. मैं इसको explain करूँगा further paragraphs में। तो क्या explain करने वाले हो, what you will be explain in the upcoming paragraphs, क्या explain करने वाले हो, वो आपको mention करना है intro में। I hope कि आपको ये point जो है आपने पता लग गया होगा, ये पॉइंट कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि क्या वो पॉजिटिव स्टेप्स हैं, क्या वो रीजंस हैं, क्यों, वो चीज़ आपको इसी इंट्रोडक्शन में मेंशन करने वाली है, करनी चाहिए कि आप क्या लिखने वाले हो आने वाले पैराग्राफ्स में। जैसे कि हमने लिखा कि वो एकेडमिकली और फिजिकली और सोशली जो है वो बेनिफिट्स लेकर आएगा। अब
एग्जामिनर को ये क्लियर है कि हम अपने पैराग्राफ में फर्स्ट पैरा में लिखने वाले हैं एकेडमिक से रिलेटेड, यानी कि उसकी जो लर्निंग है वो बढ़ेगी अगर मोबाइल फ़ोन ना होगा तो, अब फिजिकली और सोशली वो है फिट हो जाएगा। सो ऑब्वियस ही बात है कि एक पैराग्राफ में हम एकेडमिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरे में हम फिजिकली और सोशली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जामिनर को ये क्लियर है कि आने वाले बॉडी पैराग्राफ्स में उसे क्या मिलने वाला है। ओके चलिए अब चलते हैं बॉडी पैरा वन में। अब बॉडी पैरा वन की अगर बात करें तो बॉडी पैरा वन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने व्हाई, अब आपने कहा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, व्हाई इज इट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्यों ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सो आपको क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है इसमें, पहले तो आपको अपना मेन पॉइंट देना है, ठीक है, उसके बाद आपको उसे एक्सप्लेन करना है व्हाई, वेट अ मिनट, आपको उसे एक्सप्लेन करना है व्हाई या फिर हाउ, ठीक है, उसके बाद आपको देना है उसका एग्जाम्पल उसे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसे प्रूव करने के लिए कि प्रूव कीजिए कि हाँ ये सच है, ठीक है, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या उसका इफ़ेक्ट हुआ वो आपको बताना है, देन आपको उसका लिंक देना है कि आप अभी भी उस पॉइंट पर हो या नहीं। यानी कि लिंक का मतलब ये है कि एग्जामिनर को ये शो करना कि मैं ऑफ टॉपिक नहीं गया हूँ, मैं अभी भी उसी टॉपिक पे हूँ। अब आपको स्ट्रक्चर पता चल गया है कि स्ट्रक्चर क्या है, अब पॉइंट, अब चलिए इसको हम प्लान भी कर लेते हैं, पर प्लानिंग आपको पहले करनी है, मैं लिख के आपको बाद में बता रही हूँ, ठीक है। सो प्लान आपने क्या किया कि अगर फ़ोन बंद होंगे, फ़ोन बैन होंगे स्कूल कैंपस में तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा, इम्प्रूव्स जो होगी वो क्या होगी, लर्निंग होगी, लर्निंग इम्प्रूव होगी आपकी, ठीक है, जो हमने लिखा है कि एकेडमिकली जो है उसका बेनिफिट होगा, यहाँ पर लिखा ना हमने कि एकेडमिकली बेनिफिट होगा, सो यहाँ पर हमने लिख दिया है लर्निंग इम्प्रूव होगी। अब हमने हमारे लिखने से कुछ नहीं होगा कि हाँ लर्निंग इम्प्रूव होगी, यहीं पर अगर इसको छोड़ दोगे तो आपकी जो वो कोहेरेंस एंड कहीजन वाला मार्किंग क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होगा। तो आपको इसे एक्सप्लेन करना है कैसे, Why? क्यों आपको लगता है कि होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, कि उसमें क्या होगा, फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस होंगी, कि अगर फोन ही क्लास में नहीं होगा तो स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, अब एग्जांपल के साथ उसे प्रूव कीजिए। अगर फोन स्कूल में बच्चा लेकर जा रहा है तो वो बार बार क्या है, मैसेजेस चेक करेगा, ठीक है, चेक करेगा मैसेजेस हो गए, ठीक है, अपडेट्स हो गई, वो सारी चेक करेगा, जिससे क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन होगी और कॉन्टिन्यूसली जो है उसका फोकस जो है वो स्टडी की तरफ, लर्निंग की तरफ ना जाकर वो मोबाइल की तरफ जाएगा। तो ये एग्जांपल आपको विद में फिट करना है। अब हमने कहा उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, अब इफ़ेक्ट बताइए जी क्या होगा उसका, इससे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, सो वट, अगर वो बार बार चेक करेगा तो इससे क्या होगा, सो इससे क्या है, उसकी स्टडी में जो है वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जाएगा, यानी कि वो अपनी स्टडी में पीछे रह जाएगा, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जाएगा कि वो कुछ भी नहीं पढ़ेगा और वो हमेशा मोबाइल पे ही लगा रहेगा। सो इसको लिंक कैसे करना है, कि आपको वाक्य में ही लगता है कि आप अभी भी टॉपिक पर हो, कि बैनिंग जो है कि आपको लगता है कि बैन करना मोबाइल फ़ोन को वो वाक्य में ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो आपको यहाँ पर देना है उसका आपका लिंक कि हाँ मैं अभी भी टॉपिक पे हूँ, यस आपको लिखना है कि अगर वो बैन होता है तो ठीक है कि वो क्या है कॉन्टिन्यूसली चेक नहीं कर पाएंगे और स्टूडेंट को अलाउ होगा कि वो फोकस रहे, ठीक है, कि वो फोकस रहें। अब चलिए हमने प्लानिंग कर ली अपने बीपी वन की, अब देखते हैं कि किस तरह से लिखा है। सो अगर बात की जाए सबसे पहले रिस्ट्रिक्टिंग फोन यूज इन क्लासरूम इट्सेल्फ कैन इम्प्रूव लर्निंग,
अब ये क्या है, मेरा मेन आइडिया है, मैं इसे कर रही हूँ बोल्ड और थोड़ा सा हाईलाइट, ये मेरा है मेन आइडिया। मैंने लिखा कि रेस्ट्रिक्टिंग फोन यूज इन क्लासरूम इटसेल्फ कैन इम्प्रूव लर्निंग, कि मोबाइल फोन को रिस्ट्रिक्ट करना क्लासरूम में अपने आप में ही क्या है, लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। अब मुझे इसे करना है एक्सप्लेन, अब पॉइंट हमने मेंशन कर दिया, अब इसे करना है एक्सप्लेन। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज सिंपली बिकॉज विदाउट दिस डिवाइसेस देयर आर फार फ्यूअर डिस्ट्रैक्शन फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, कि ये बिल्कुल क्योंकि अगर इनकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगी तो क्या है कि टीचर्स को और स्टूडेंट्स में इसकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगी। अगर और कैसे मतलब हम उन्होंने कहा कि अगर रिस्ट्रिक्ट होता है मोबाइल फ़ोन क्लास में तो लर्निंग इम्प्रूव हो रही है, तो कैसे हो रही है, दिस इज़ सिंपली बिकॉज क्योंकि ये डिवाइसेस जो हैं उन्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेंगी टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। सोचिए कि अगर क्लास में कोई मोबाइल फ़ोन लेकर आया है और बार बार उसका मोबाइल जो है बीप हो रहा है, बज रहा है, तो क्या होगा, तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगी। सो वही मेंशन किया है हमने, उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम दे रहे हैं एक एग्जांपल, अब प्रूव करना है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। व्हेन अ स्टूडेंट हैज देयर फोन इन देयर लैप और पॉकेट, अगर कोई स्टूडेंट के पास उसका फोन है उसकी जेब में या उसकी गोद में, फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल के तौर पर, देयर इज एन इरेसिस्टेबल अर्ज टू चेक कॉन्टिन्यूसली फॉर टैक्सेस अलर्ट्स और सोशल मीडिया अपडेट्स, ठीक है, कि वो क्या करेगा अगर कोई स्टूडेंट जो है उसके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसकी पॉकेट में या उसकी जेब में या उसकी गोद में, तो वो क्या करेगा कि उसे कॉन्टिन्यूसली तड़प लगेगी कि वो चेक कर ले कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई सोशल मीडिया पे अपडेट तो नहीं आई। इवन द मोस्ट ऑब्जर्वेंट टीचर कैन नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम स्निकिंग चेकिंग देयर मैसेजिंग एंड स्क्रॉलिंग थ्रू दिस इररिलेवेंट मटेरियल ड्यूरिंग द लेसन, ठीक है, कि इवन चाहे कि कितना ही नज़र तेज वाला टीचर क्यों ना हो, ऑब्जर्वेंट टीचर का मतलब होता है कि तेज नज़र वाला टीचर, मतलब जो दूर से ही बच्चों को पकड़ लेना, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, वो रोक नहीं सकता, प्रिवेंट नहीं कर सकता कि उन्हें कॉन्टिन्यूसली मैसेज चेक करने से या स्क्रॉलिंग करने से। सो ये जो सारा है यहाँ तक का ड्यूरिंग द लेसन, ये हमने क्या दिया है, अपना एग्जाम्पल दिया है उसे, ठीक है, ये हमने क्या दिया, अपना एग्जाम्पल, यहाँ तक हमारा था एग्जाम्पल। अब हमने लिखा कि फ़ोन को रिस्ट्रिक्ट करना इम्प्रूव करेगा लर्निंग को, क्योंकि इससे क्या है, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। अब हमने प्रूफ कर दिया कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट फ़ोन लेकर आ रहा है तो क्या होगा कि वो बार बार मैसेज चेक करेगा, सोशल मीडिया चेक करेगा, और एक टीचर भी उसे नहीं रोक पाएगा ये सब करने से। सो वट, अगर नहीं रोक पाएगा तो क्या होगा, अब हमें देना है उसका इफेक्ट, ठीक है, वो हम दे रहे हैं। दीज एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस ड्रा अटेंशन अवे फ्रॉम द इम्पोर्टेंट एजुकेशनल मटीरियल एंड एंड्रॉयड अटेंशन स्पैन विच कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन एकेडमिक प्रोग्रेस। अब ये हमने दिखा दिया उसका इफेक्ट, कि हमने कह दिया है कि अगर ये डिस्ट्रैक्शंस होंगी तो उसका ध्यान नहीं जाएगा, वो उसका ध्यान दूर हो जाएगा कहाँ से, एजुकेशनल मटेरियल से, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा उसकी एजुकेशनल जो है प्रोग्रेस है, जिसकी मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर उसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जाएगा। अब हमें देना है लिंक, कि हाँ अभी भी हम ऑन टॉपिक ही हैं। अब हम वो लिख रहे हैं, अ ब्लैंकेट बैन ऑन फोन ड्यूरिंग क्लास फ्री लर्नर्स फ्रॉम दिस कंप्लेसिव चेकिंग एंड अलाउ देम टू फोकस। अब ये हमने अपने पूरे कहिए उसका क्या कहते हैं, पूरे पैराग्राफ का निचोड़ दे दिया यहाँ पर। हमने लिखा अ ब्लैंकेट बैन, अब अ ब्लैंकेट बैन क्या होता है, अ ब्लैंकेट बैन होता है कि पूरी तरह से कोई चीज़ सबके लिए बैन कर देना, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए बैन नहीं हुई, वो पूरे स्कूल के लिए बैन है। ए ब्लैंकेट बैन ऑन फोन्स ड्यूरिंग क्लास फ्री लर्नर्स, लर्नर्स को क्या होएगा कि वो फ्री हो जाएंगे बार बार चेक करने से, और अलाउ देम टू फोकस, कि उनका फोकस रहेगा। अब ये दो चीज़ें जो
कनेक्ट कर रही हैं इस पूरे पैराग्राफ को। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बीपी वन को किस तरह से कनेक्ट करना है और इसी तरह से बीपी टू भी कनेक्ट है। चलिए देखते हैं कि बीपी टू में क्या लिखा है। इन एडिशन, एक रीज़न हम दे चुके हैं, अब दूसरा रीज़न देने वाले हैं। इन एडिशन टू बैनिंग फोन्स इन द क्लास रूम, अ स्कूल दैट रिस्ट्रिक्ट देयर आउट यूज आउटसाइड द क्लास कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स वेलबींग। अब ये है दूसरा पॉइंट आपका, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। हमने क्या कहा कि अगर बैन होता है स्कूल्स में या फिर क्लासरूम में या फिर क्लासरूम के बाहर, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि स्टूडेंट्स की वेलबींग में इम्प्रूवमेंट होगी। पहला हमने क्या कहा कि स्टूडेंट में एकेडमिकली इम्प्रूवमेंट होगी, लर्निंग इम्प्रूव होगी, और सेकेंड हमने पॉइंट मैंशन किया था इंट्रो में फिजिकली एंड सोशली, तो स्टूडेंट्स वेलबींग। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। Indeed, if phones are banned, अब कैसे होगी इसका एग्जाम्पल हमें देना है, यानी कि हमें एक्सप्लेन करना है। ये हमने पॉइंट लिख दिया, अब इसे एक्सप्लेन करना है जिस तरह बीपी वन में किया था, एक्सप्लेन करना है कैसे। Indeed, if phones are banned at lunch time and recess, children are forced to engage in more meaningful and perhaps active way with their classmates. कैसे होगा, कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो, कि अगर वो बैन करते हैं, ठीक है, फ़ोन को बैन करते हैं लंच टाइम और रिसेस में, तो चिल्ड्रन क्या है, अंगेज, बहुत ज़्यादा अंगेज हो जाएंगे एक्टिव में, एक्टिव एक्टिविटीज़ में, किसके साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। सो अब उसको करना है प्रूव किस तरह से। अब दीजिए एग्जाम्पल, कि एग्ज़ाम्पल देना है, तो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, दे मे प्ले गेम्स स्पोर्ट्स और सिंपली सेट आर चैट टुगेदर एक्टिविटीज देट आर फार हेल्दियर दैन सिटिंग अलोन हंच्ड ओवर अ स्क्रीन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल सेट यहाँ पर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये आपका पॉइंट है। पॉइंट हमने दिया कि इम्प्रूव होगी वेलबींग स्टूडेंट की, कैसे होगी, कि वो जो है अपना टाइम लंच टाइम और रिसेस टाइम जो है चिल्ड्रन अपने क्लासमेट्स के साथ स्पेंड करेंगे। सो एग्जांपल किस तरह से करेंगे, कि वो शायद गेम खेल लें या उनके साथ बैठें, तो ये हेल्दियर ऑप्शन है कि अकेले बैठे रहना। हंच्ड ओवर क्या होता है, कि आप किसी ऐसी पोजिशन में बैठे हैं जहाँ पर आपकी गर्दन नीचे है और आप बिल्कुल झुका कर बैठे हो सिर्फ, कि कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो स्क्रीन पर बैठे हैं। सो इस तरह से आप कंप्यूटर के लिए या मोबाइल्स जब आप देखते हो तो आपकी जो पोजीशन होती है उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर लेते हो। अब आपको देना है इफ़ेक्ट, सो व्हाट, कि अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा। तो विदाउट लिमिटेशन और बींग फोर्स्ड बाय स्कूल चिल्ड्रन सिंपली कैन नॉट ड्रा द लाइन ऑन द मोबाइल यूज, कि बिना परमिश लिमिटेशन के और बिना फोर्स किए स्कूल के चिल्ड्रन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ड्रा द लाइन, कि वो अपना टारगेट सेट कर सकें या अपने लिए ये सेट कर सकें कि उन्हें यूज़ नहीं करना है मोबाइल फ़ोन। और ये हो गया उसका इफ़ेक्ट। अब ये दीज, अब हमें बताना है लिंक करके कि हाँ हम अभी भी ऑन टॉपिक हैं, तो उसके लिए लास्ट लाइन में आपको लिंक करना है, जिसे आप रिजल्ट्स बोलते हो, इफेक्ट का रिजल्ट क्या निकला वो बताना है। दीज सोशल एंड फिजिकल बेनिफिट्स आर पॉसिबल विद स्ट्रिक्ट मोबाइल रूल। ये सोशल और फिजिकल बेनिफिट जो है तभी पॉसिबल है जब ये स्ट्रिक्ट मोबाइल रूल्स होंगे तब। अब देखिए यहाँ पर सोशल एंड फिजिकल बेनिफिट की बात हुई, तो ये हमने ऊपर मेंशन किया था। अब उसमें हमने एजुकेशन की बात की, कि वो लर्निंग के बारे में बात की है, तो वहाँ पर हमने एकेडमिक किया था, ठीक है। तो चलिए अब कंक्लूज़न पे आते हैं। सो कंक्लूज़न क्या होता है, बेसिकली कंक्लूज़न आपके जैसे इंट्रोडक्शन होती है ना, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होता है। इसमें आपको एक जनरल स्टेटमेंट देनी है कि आपका टॉपिक किसके बारे में है, उसके बाद आपको अपना ओपिनियन देना है और समराइज करना है अपने दोनों पैराग्राफ को, जो आपने आइडियाज आंसर में दिए थे ना नीचे, वहाँ पर वही पॉइंट आपको घुमाकर यहाँ पर लिखने होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इन कंक्लूजन डिस्पाइट फोन्स बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ, कि इसके बावजूद कि मोबाइल फ़ोन जो है
पार्ट बन गया हमारी मॉडर्न लाइफ का। आई स्ट्रॉन्गली फील दैट, अब यहाँ पर जो है हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आई स्ट्रॉन्गली फील दैट देयर यूज एंड स्कोप शुड बी लिमिटेड विद फर्म बाउंड्रीज एंड बैन इन सम सिचुएशंस। अब ये दे दिया हमने अपना ओपिनियन कि हमें ऐसे लगता है भाई कि ये क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए और कुछ सिचुएशंस होनी चाहिए जहाँ पर लिमिट हो इनको यूज़ करने की, ठीक है। उसके बाद जो हमारे हमने लिखा है अपने BP1 एंड BP2 में, उसका कंक्लूजन, उसका निचोड़ जो है, उसकी समरी हम यहाँ पर देंगे। सो स्टूडेंट आर एबल टू लर्न बेटर, वहाँ पर लिखा था हमने इम्प्रूव लर्निंग, यहाँ पर हमने कर दिया एबल टू लर्न बेटर। वहाँ पर हमने लिखा था कि वो फिजिकली और सोशली होंगे, यहाँ पर हमने स्ट्रेंथन फ्रेंडशिप्स एंड एंगेज इन हेल्थियर परस्यूट्स, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आ गया कि किस तरह से आपको स्ट्रक्चर करना है फॉलो 9 बैंड के लिए। अगर ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो 8+ जाने वाला है। सो ये स्ट्रक्चर फॉलो करके देखिए कि आपको इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड स्टेटमेंट, देन आपको पैराफ्रेज, उसके बाद आपको अपना आंसर देना है विद रीजंस। ध्यान से सुन लीजिएगा विद रीज़न कि आप क्या लिखने वाले हो अगले पैराग्राफ्स में। ये नहीं कि आई विल एक्सप्लेन दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ्स, क्या एक्सप्लेन करने वाले हो वो पहले ही बता दीजिए। फिर आपको BP1 देना है, BP1 में आपको पॉइंट लिखना है, उसे एक्सप्लेन करना है, देन एग्जांपल देना है, उसका इफेक्ट और फिर उसका रिजल्ट जिसे आप लिंक बोल सकते हो। इसी तरह से आपको BP2 देना है, कंक्लूजन में आपको सिमिलर जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन लिखी है, एक आपको स्टेटमेंट, बैकग्राउंड, फिर आपको अपना ओपिनियन, ओपिनियन ऐसे की बात कर रही हूँ, फिर आपको अपना ओपिनियन, उसके बाद आपको क्या बताना है अपने दोनों BPs का निचोड़, उसकी समरी बतानी है कि आपने कौन कौन से पॉइंट उसमें डिस्कस किए हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इस तरह की वीडियोस और चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए वो हमें ज़रूर बताइए, हम उसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते हैं एक दिन छोड़कर, तो आपको हमारा कंटेंट किस तरह का लग रहा है अपने फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।